नमस्कार फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चल मेरे घोड़े। फ्रेंड्स, कल 31 मार्च कोलकाता रेसेस हैं, टोटल 8 रेसेस हैं। पहली रेस 1:45 बजे और लास्ट रेस जो कि है 5:15 बजे। उससे पहले आज की दिल्ली रेसेस, आज दिल्ली की रेसेस अपनी अच्छी गई नहीं। टोटल 6 रेसेस थी। पहली रेस में हमारी चॉइस थी नंबर 2 फॉर विन प्लेस और वो विड्रॉ हो गया। नंबर 2 विड्रॉ हो गया तो हमारी रेस ही डिस्क्वालीफाई हो गई। तो कहते हैं ना कि इंग्लिश में फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो हमारा पहला इम्प्रेशन जो है आज वो ख़राब हो गया। उसके बाद सेकंड रेस, थर्ड रेस, फोर्थ रेस, तीनों रेसें अपनी ख़राब हो गई। कुछ भी नहीं आया, डब्बा गोल हो गया। सो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन वाली स्टोरी यहाँ आ गई। उसके बाद फिफ्थ रेस अपनी चॉइस थी नंबर 4 फॉर विन और नंबर 4 विन किया। लास्ट रेस में 5 की प्लेस और 12 की प्लेस बोली थी। 12 मैंने आपको कहा था रिस्की प्लेस दे रहा हूँ, हटके दे रहा हूँ, लीग से कोई भी नहीं बता रहा है लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप खेलिएगा ज़रूर। खेली भी होगी, प्लेस के रेट्स भी अच्छे थे, 80 पैसे 125 रुपये, लेकिन वो विन हुआ। तो अब हिंदी की कहावत काम आती है, अंत भला तो सब भला। सो फ्रेंड्स, ये रेस है, हॉर्स रेस ऐसे ही चलेगी, कभी ऊपर कभी नीचे। यही आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि कभी रेसेस पूरी आ जाएंगी, कभी एक भी नहीं आएगी। तो हमारा अंत भला तो सब भला था। सो इसीलिए, और कल एक बात और बोली थी, दिल्ली की रेसेस टफ़ लग रही हैं, बहुत संभल के खेलना या स्किप कर देना। तो जैसा भी हुआ, अंत भला तो सब भला। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं कल कलकत्ता की रेसेस में। कल कलकत्ता की रेसेस में एक बात बताता हूँ आपको, जॉकी सूरज नारायणू आया है, 1, 2, 3, 4, 8 में से 5 रेसेस में जॉकी सूरज नारायणू है। तो क्या वो पांचों रेसेस ले जाएगा? नहीं, पांचों रेसेस ले जानी उतनी आसान नहीं है, लेकिन वो घोड़े सब पे अच्छे बैठा हुआ है। तो अगर जो कोई सूर्य नारायणू फॉलो करते हैं तो आप ये समझिए 5 में से 2 विन हैं उसकी और 3 प्लेस हैं। 3 प्लेस में जो 2 विन होंगी वो प्लेस में ही काउंट होंगी। इट मींस 5 में से 3 में कंफर्म ही वो प्लेस में नज़र आ जाएगा और 2 पे विन। अब हमें ढूंढना है। सो फ्रेंड्स, बहुत संभल के ही आराम से खेला करें रेसेस, खेलो कम जीतो ज़्यादा ही पॉलिसी अपनाया करें। चलते हैं अब कल की पहली रेस, और प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्रिप्शन थोड़े चाहिए, प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, अब चलते हैं कल की फर्स्ट रेस जो कि है 1:45 1100 मीटर की। इसमें 8 घोड़े हैं तो फ़ायदा ये है कि 3 प्लेसेस मिल जाएंगी। इसमें फ्रेंड्स नंबर 1 मेरी चॉइस अहनिका जॉकी CS जोधा, आप इसकी प्लेस कीजिए, फेवरेट भी खुल सकता है ये घोड़ा, बट इसकी प्लेस कीजिए, सेफ गेम रहेगी। सेकंड रेस जो कि है 2:15 बजे 1200 मीटर की, इसमें 9 घोड़े हैं।
इसमें फ्रेंड्स मेरी चॉइस है नंबर 6, डेयरिंग हार्ट। नंबर 6 डेयरिंग हार्ट, जो कि सूरज नरेडू, फॉर प्लेस। अच्छा, इसको यहाँ प्लेस क्यों बोल रहा हूँ, अभी आपको बोला कि सारी रेसेस कोई एक जॉकी नहीं ले पाता है, तो यहाँ मुझे डाउट है कि शायद ये विन में ना आए, क्योंकि यहाँ पे नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5 इसके साथ टक्कर देने वाले घोड़े हैं। ठीक है, उस पर जॉकी थोड़े से हल्के हैं सूरज नरेडू से, लेकिन घोड़े अच्छे हैं तो वो टक्कर दे सकते हैं। सो सेकंड रेस नंबर 6 फोर्थ प्लेस। थर्ड रेस फ्रेंड्स कल की कलकत्ता, जो कि है 2:45 1400 मीटर की, इसमें 7 घोड़े हैं। अच्छा, एक बात और नोट करिएगा, कल की 3rd, 4th, 5th, 6th, 3rd में 7, 4th, 5th, 6th रेस में 5 घोड़े हैं, बस प्लेसेस 2 ही रहेंगी, तो थोड़ा सा ये मुश्किल खड़ी करेंगे। थर्ड रेस को इतनी अच्छी रस नहीं है, अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप करें, और अगर थोड़ा सा चांस लेना चाहें तो वो है नंबर 3 अश्वमेघा। अश्वमेघ यज्ञ होता था, तो ये अश्वमेघ घोड़े का नाम है और जॉकी है हसी बालम। आप इसकी प्लेस करिए, लेकिन ये रिस्की प्लेस है, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि 2 ही प्लेसें आएंगी, 7 घोड़े हैं, स्किप कर सकें तो स्किप भी कर दें। उसके बाद फ्रेंड्स नंबर 4 रेस नंबर 4 3:15 1600 मीटर की, इसमें सिर्फ 5 घोड़े हैं। इसमें मेरी चॉइस है नंबर 2 इंटेलिकेशन, जो कि सूरज नारायण, फॉर विन प्लेस। प्लेस मिले तो ज़रूर लें, अदरवाइज फॉर विन प्लेस। 5th रेस जो कि फिर 5 घोड़ों की है, 3:45 1600 मीटर, इसमें फ्रेंड्स जो मेरी चॉइस आ रही है वो है नंबर 5 गोस्ट, भूत। सो जॉकी इसमें हिंदू सिंह, आप इसकी प्लेस कीजिए। रेस नंबर 5 हॉर्स नंबर 5 फॉर प्लेस। उसके बाद रेस नंबर 6 4:15 1600 मीटर की, इसमें भी 5 ही घोड़े हैं। इसमें फ्रेंड्स घोड़े 2 अच्छे हैं, नंबर 3 एंड नंबर 1। सो मेरी चॉइस ये बन रही है नंबर 3 जैक, जो कि सूरज नरेडू, फॉर विन प्लेस, एंड नंबर 1 सेल्टस, जो कि CS जोधा, फॉर प्लेस। सो रेस नंबर 6 हॉर्स नंबर 3 एंड 1, प्लेसेस मिलती हो तो प्लेसेस लगा लीजिए दोनों की। उसके बाद 7th रेस, कल की 2nd लास्ट रेस, इसमें हमें 3 प्लेसें मिल जाएंगी क्योंकि 10 घोड़े हैं, और ये है 4:45 पे 1400 मीटर की। इसमें जो मेरी पसंद है वो है नंबर 4 रेनबो ट्रॉट, जॉकी सूरज नरेडू, फॉर विन प्लेस। प्लेस मिले अच्छी तो पहले प्लेस की ऑप्ट करें, अदरवाइज फॉर विन एंड प्लेस। फिर कल की लास्ट रेस 8th रेस, जो कि है 1400 मीटर की 5:15, इसमें टोटल 11 घोड़े हैं। इसमें फ्रेंड्स घोड़े 2-3 बहुत अच्छे हैं, आपको बता दूं नंबर 2 भी अच्छा है, इसमें नंबर
8 भी अच्छा है, इसमें नंबर 10 भी अच्छा है। सो जो मेरी चॉइस आ रही है वो है नंबर 10 विस्परिंग ग्रास, जॉकी हिंदू सिंह फॉर प्लेस विन। और नंबर शायद अभी अच्छे में आपको नहीं बताया, नंबर 2 की माया जॉकी आर एन दर्शन फॉर प्लेस। 2 नंबर की प्लेस बहुत अच्छी है, आप छोड़िएगा मत इसकी प्लेस को। सो रेस नंबर 8 10 एंड 2 फॉर प्लेस। सो फ्रेंड्स ये थी मेरी कल के लिए कलकत्ता के लिए रेस, मेरी सिलेक्शंस। प्लीज़ संभल के खेलिएगा, खेलो कम जीतो ज़्यादा अपनाइएगा। और अगर आपकी स्टार्टिंग की 1-2 रेसेस आ जाती हैं तो अगली रेसेस स्किप करिए। सुरेन्द्र रेडू के फॉलोअर्स को बता रहा हूँ कि आप 2 रेस वो विन करेगा, 3 पे प्लेस होगा, जो विन करेगा उसको भी प्लेस ही काउंट करिए साथ में। सो ज़्यादा भी कर सकता है, देखो ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप एक एवरेज बना के इस हिसाब से चलें ताकि प्रॉफिट में रहें। मेन टारगेट है प्रॉफिट में ही होना है। सो फ्रेंड्स थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।